पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जनता आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज निश्चित तौर पर आज दिल्ली के अंदर मीटिंग भी है, हमारे नेता गए भी हैं। जो नेता निर्णय लेंगे पूरा बिहार उसमें बराबर तैयार रहता है। निश्चित तौर पर ये जो बहुत लोगों को विश्वास नहीं था, आज जनता ने, बिहार की जनता ने, आवाम ने दिखा दी है नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से जो रिजल्ट आया है, 12 सीटें आई हैं, जेडीयू को कहा जाता है कि नीतीश जी किंग में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जमा खान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे और उनसे मुलाकात के बाद जेडीयू का स्टैंड क्लियर करते नजर आए हैं। आपको बता दें, मंत्री जमा खान ने साफ कह दिया कि कुछ भी हो, हम लोग एनडीए के साथ ही रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का बड़ा ऑफर दिया गया था, जिसके बाद से अटकलें तेज हो गई कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ होंगे या फिर इंडिया के साथ, जिसके बाद मंत्री जमा खान अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करते नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। जनता आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज निश्चित तौर पर आज दिल्ली के अंदर मीटिंग भी है, हमारे नेता गए भी हैं। जो नेता निर्णय लेंगे पूरा बिहार उसमें बराबर तैयार रहता है। निश्चित तौर पर ये जो बहुत लोगों को विश्वास नहीं था, आज जनता ने, बिहार की जनता ने, आवाम ने दिखा दी है नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से जो रिजल्ट आया है, 12 सीटें आई हैं, जेडीयू को कहा जाता है कि नीतीश जी किंग मेकर बनने जा रहा है। वो तो बराबर रहे हैं, नेता का जो कार्य रहा है, नेता का काम करने का तरीका रहा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, जनता का आशीर्वाद प्यार रहा है, निश्चित तौर पर जब तक वो जिंदा रहेंगे सुपर बन के रहेंगे। मंत्रिमंडल में आप लोग किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं इस बार, जो मैंडेट मिला है, क्योंकि अल्पमत में है, जो पूरा बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, इसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर फ्रंट फुट पे है, क्या कहेंगे? हमारे बता दिए कि नेता के साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद दुआ बना रहता है, चूंकि नेता ने ईमानदारी से बिहार के गरीब जनता का, आवाम का काम किया है। हमारे नेता ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बातें नहीं करते हैं, हमारे नेता सबको प्यार और सम्मान देते हैं, इसलिए ऊपर वाले भी दुआ करता है। निश्चित तौर पर जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे सुपर बन के ही रहेंगे, जनता ने कहा है। नीतीश जी एनडीए के साथ एकदम है, रहेंगे, एकदम रहेंगे, बाकी नेता जो फैसला हो हम सबका फैसला। आप सुन रहे थे मंत्री जमा खान को बिहार में जेडीयू के अच्छे प्रदर्शन के बाद ये बड़ा बयान देते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज उन्होंने मुलाकात की और कहा कि बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार ही सुपर रहेंगे, नीतीश कुमार ही सबसे आगे रहेंगे, कहते नजर आए मंत्री जमा खान। तो वहीं लगातार कल से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन ने जो उन्हें उप प्रधानमंत्री बनने का बड़ा ऑफर दिया है, उसे स्वीकार सकते हैं, एनडीए को छोड़ सकते हैं, एनडीए की सरकार को छोड़कर क्या इंडिया गठबंधन के पास जा सकते हैं, इसको लेकर आज मंत्री जमा खान जेडीयू का स्टैंड क्लियर कर रहे थे। कहते नजर आए, साफ साफ कह दिया कि हम लोग कुछ भी हो जाए एनडीए के साथ ही रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।